दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 32। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण का लगाया आरोप, वीडियो के आधार पर उन नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आजम खां को पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में किया गया शिफ्ट। लखनऊ के मांझ हत्याकांड में बर्खास्त इंस्पेक्टर संजय राय समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। दिल्ली हिंसा पर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल। शनिवार को अयोध्या ट्रस्ट की होगी दूसरी बैठक, निकलेगा राम मंदिर में भूमि पूजन का मुहूर्त। हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज भी CBSE की परीक्षा रद्द। नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलेंगे। अखिलेश यादव का रामपुर कार्यक्रम रद्द, आजम खां से मिलने जा सकते हैं सीतापुर जेल। आज चीन से ग्लोब मास्टर विमान पहुंचा भारत, 112 लोगों को ITBT कैंप में रखा जाएगा जांच के लिए। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।